एचके टीवी को सुनने और देखने वालों में हूँ हमा खान और आप सबको मेरा सलाम। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा था कि कल स्कूल वापसी पर हम लाखों बच्चों को खुशामदीद कहेंगे। ये यकीनी बनाना कि हर बच्चा हुसूल इल्म के बाहिफाजत स्कूल जा सके हमारी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हमने स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को कोविड-19 के हवाले से सेहत आमा के कवायद से हम अहम बनाने का बतौर खास इहतमाम किया है। WHO के यूरोप के डायरेक्टर हैंडसन ने कहा कि अगले 2 महीने इंतहाई खतरनाक होने वाले हैं और पूरा का पूरा यूरोप स्वीप होने वाला है। स्वीप से मुराद ये है कि अब कोरोना से बड़ा एक और तबाही आएगी, लिहाजा हमने आपको पहले से ही वारन किया। मजीद बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अब सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबाएं। जैसे ही इमरान खान ने ट्वीट किया, अब हम नॉर्मल हो रहे हैं। मुबारकबाद कह रही है कि स्कूल दोबारा ओपन हो रहे हैं। इसके बाद फौरन ये खबर आ रही है कि दुनिया दोबारा लॉकडाउन हो रहा है। अभी खबर आई है कि इसराइल ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया है। पहले भी इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर याकूब लिट्जमैन, उसने कहा था कि हम अब मसीहा की ज़रूरत है और मसीहा आने वाला है, और अब ये कह रहा है कि हम लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अब लोग सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल चुके हैं। नाज़रीन किराम, याकूब लिट्जमैन ज़ायनिस्ट है और ज़ायनिस्ट पूरी दुनिया के अंदर तबाही ला रही है। नाज़रीन, अब भी पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने जा रहा है। अब ये देखे, ऑस्ट्रेलिया बंद होने जा रहे हैं, इंग्लैंड बंद होने जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे कि स्वीडन, वो इस वबा के बावजूद भी लॉकडाउन नहीं लगा रहा। शैतानी ताकतें उन पर ये जोर लगा रही है कि आप लॉकडाउन ना लगाए, क्योंकि इससे शैतानी ताकतों का प्लान मुकम्मल तौर पर ख़राब हो रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान, आप जानते ही होंगे कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में कोरोना को शिकस्त दे दी। इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम कोरोना का वैक्सीन 2021 में तैयार करेंगे। बिल गेट्स ने भी यही कहा कि 2021 में कोरोना पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। बिल गेट्स का ये भी कहना है कि 1-2 साल हमें अब मजीद ये कोरोना बर्दाश्त करना पड़ेगा, लिहाजा आप अपने आप को तैयार रखें कि दुनिया कभी भी बंद हो सकती है। स्वीडन ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया को ओपन करें। सिंगापुर ने एक ब्लूटूथ ऐप तैयार कर लिया है। वो इस ब्लूटूथ डिवाइस को कई लोगों में उसने तकसीम कर दिया है। ये डिवाइस अब बहुत से लोगों के साथ मौजूद है। अगर वो डिवाइस आपके साथ मौजूद है और कोई कोरोना का पेशेंट आपके नज़दीक आए तो वो उसकी इन्वेस्टिगेट करता है वो ब्लूटूथ डिवाइस, और वो आपको डायरेक्टली बता देता है कि इस बंदे को कोरोना है या उसके सिम्टम्स इस बंदे में मौजूद है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।